हेलो, स्वागत है आपका फ्री जीके के चैनल पे। मेरा नाम है किरण भाबर। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कॉमन सिलेबस फॉर ऑल गवर्नमेंट एग्जाम। आप किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं तो कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं जो कॉमन है, जो हर सरकारी नौकरी में पूछे जाते हैं। चाहे आप SSC की तैयारी कर रहे हैं, UPSC की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे में आप जाना चाहते हैं, आप पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप आर्मी में भर्ती होना चाहते हैं या बैंक में जाना चाहते हैं, आप किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी करें तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम कवर करेंगे कि कौन कौन से कॉमन सब्जेक्ट हैं जो हमें अच्छी तरह से कवर कर लेने हैं और उन सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक्स पूछे जाते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में कवर करवाऊंगी, ताकि जो हिंदी में समझना चाहते हैं उन्हें भी बड़ी ही आसानी से समझ में आ जाए और जो इंग्लिश में समझना चाहते हैं वो भी आराम से समझ लें। ठीक है, लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आप लोगों को बताऊंगी कि ऐसी कौन सी बुक्स हैं जिसे अगर आप पढ़ेंगे तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखिए, कौन कौन से कॉमन सब्जेक्ट हैं जो हर गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। GK सामान्य ज्ञान, उसके बाद देखिएगा मैथमेटिक्स गणित, यहां से क्वेश्चन बनते हैं। रीजनिंग, ये सब्जेक्ट पूछा जाता है। विज्ञान, साइंस से आते हैं, कंप्यूटर से आता है और हिंदी इंग्लिश से। ये कुछ कॉमन सब्जेक्ट हैं। अब इन कॉमन सब्जेक्ट्स में से कौन कौन से टॉपिक्स हमें कवर कर लेने हैं ताकि हम अच्छा स्कोर कर पाएं। देखिए, यहाँ पर GK 2022 की हम बात करें तो 2022 में आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो कौन कौन से सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक हमें कवर कर लेने चाहिए। देखिए, GK की बात करें तो यहाँ से आप देखेंगे वातावरण से रिलेटेड आपको सवाल देखने के लिए मिलेंगे, वातावरण, एनवायरनमेंट। उसके बाद प्रसिद्ध पुस्तकें और लेखक, फेमस बुक्स एंड ऑथर्स, यहाँ से सवाल देखने के लिए मिलेंगे। बेसिक कंप्यूटर, कभी कभी क्या होता है कंप्यूटर एक अलग सब्जेक्ट नहीं पूछा जाता है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम हैं जहां पर आपको कंप्यूटर अलग से नहीं पूछा जाएगा, तो क्या होगा जो GK होगा उसी में आपको कंप्यूटर से रिलेटेड सवाल पूछ लिए जाएंगे। वैसे देखें तो आप जैसे अगर आप पटवारी का एग्जाम देते हैं तो वहां पर आपको एक कंप्यूटर अलग सब्जेक्ट रहेगा जिसको आपको अच्छी तरह से पढ़ के जाना होगा, है ना। और कुछ ऐसे एग्जाम है जहां पर अगर कंप्यूटर नहीं पूछा जाता है तो क्या होगा, GK में ही बेसिक कंप्यूटर आपको पूछ लिया जाएगा। ठीक है, तो कंप्यूटर का नॉलेज आपको रखना ही होगा। उसके बाद देखिएगा भारतीय संस्कृति, इंडियन कल्चर, इंपॉर्टेंट है ये। देखिएगा हर जगह से, हर टॉपिक से आपको दो दो तीन तीन सवाल देखने के लिए मिल जाएंगे। उसके बाद भूगोल, भूगोल में देखिए आपको विश्व का भूगोल भी पढ़ना होगा, साथ में भारत का भूगोल भी पढ़ना होगा। उसके बाद रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री से रिलेटेड सवाल आते हैं। भारतीय संसद, इंडियन पार्लियामेंट से सवाल आते हैं। उसके बाद देखिएगा करंट अफेयर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, यहाँ से 5 से 7 सवाल हर बार पूछे जाते हैं। देखिए क्या क्या पूछा जाएगा, जैसे कि वर्तमान में कौन क्या है, नवीनतम केंद्रीय परिषद से रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं, राज्यों की जो राज्यपाल है मुख्यमंत्री वहाँ से सवाल आ जाते हैं, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन कौन बैठे हुए हैं, ब्रांड एम्बेसडर से सवाल पूछ लिए जाते हैं, या फिर जो अभी COVID-19 चल रहा है तो जैसे COVID-19 के ऊपर सवाल पूछ लिए जाएंगे। ठीक है, जो खेल पुरस्कार है उनके ऊपर सवाल पूछ लिए जाएंगे, टोक्यो ओलंपिक के ऊपर सवाल पूछा जाएगा, वहाँ से सवाल आएगा एग्जाम में करंट अफेयर पे। ठीक है, वो भी मैंने अच्छी तरह से कवर करवा दिया आप लोगों को। उसके बाद देखिएगा स्पोर्ट्स, खेल स्पोर्ट्स, यहाँ से भी सवाल पूछे जाएंगे, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो करंट में जो जो स्पोर्ट्स हुए हैं उनको अच्छी तरह से आप कवर कर लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्पोर्ट्स। यहाँ से 2 से 3 सवाल आपके एग्जाम में कन्फर्म है पूछा जाएगा। उसके बाद देखेंगे आप इतिहास हो गया, संस्कृति, परंपरा और त्यौहार, है ना। ये एक्चुअली किस चीज़ के लिए है, जैसे आप किसी भी, जैसे मान लीजिए आप पुलिस की अगर तैयारी करते हैं तो जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, जैसे मैं MP से बिलोंग करती हूँ तो मुझे MP का पूरा इतिहास पता होना चाहिए, संस्कृति, वहाँ की परंपरा, त्यौहार। ठीक है, वहाँ से सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आपको इतिहास, संस्कृति, परंपरा और त्यौहार बहुत ही अच्छी तरह से उस स्टेट के पता होने चाहिए जिस स्टेट से आप बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आप उस स्टेट के लिए आप एग्जाम दे रहे हैं तो वहां पर आपके स्टेट से ये चीजें आपको कवर होनी चाहिए, इतिहास, संस्कृति, परंपरा और त्यौहार। यहां से आपको 2 से 3 सवाल देखने के लिए एग्जाम में मिल जाएगा। उसके बाद देखिएगा भारतीय राजनीति, इंडियन पॉलिटिक्स,
उसके बाद देखिएगा भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमिक्स से सवाल आते हैं, भारतीय इतिहास, इंडियन हिस्ट्री, हिस्ट्री में आपको प्राचीन भारत भी पढ़ना होगा, मध्यकालीन भी पढ़ना होगा और आधुनिक भारत, साथ में आपको विश्व के इतिहास के बारे में भी थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप देखेंगे 4 से 5 सवाल आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। उसके बाद भौतिक विज्ञान, फिजिक्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, विश्व के आविष्कार, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको 3 प्रश्न देखने के लिए आपके एग्जाम में मिलेंगे। उसके बाद प्राणी विज्ञान, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद वनस्पति विज्ञान, है ना, ये इन हर टॉपिक से आपको सवाल देखने के लिए ज़रूर मिलेंगे, कॉमन है। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करो, कोई भी सरकारी नौकरी अगर आपको क्लियर करनी है तो आपको जीके के ये सारे टॉपिक्स के आपको अच्छी तरह से यहाँ पर कमांड होनी चाहिए आप लोगों की, आपको बहुत ही अच्छी तरह से ये सारे टॉपिक्स जीके के कवर करने हैं। चलिए अब हम मैथ्स की बात करते हैं, मैथ्स में कौन कौन सा टॉपिक हमारे बहुत ही अच्छी तरह से क्लियर होने चाहिए। देखिए मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर आप बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको पता है मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर आपके एक भी मार्क्स नहीं कट सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हिंदी इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर आपको कभी भी 100 में से 100 मार्क्स नहीं दिया जाएगा, वहाँ पर आपको 99 मार्क्स ही मिलेंगे 100 में से। लेकिन मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है वहाँ पर आपको पूरे 100 मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा लैंग्वेज ऐसे सब्जेक्ट हैं जहाँ पर कभी भी आपको पूरे मार्क्स नहीं दिए जाते, आपने स्कूल में भी देखा होगा। ठीक है, तो मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है। ठीक है, तो आपको जड़े रूट्स बहुत ही अच्छे तरह से कवर कर लेने हैं। उसके बाद औसत एवरेज के ऊपर सवाल पूछे जाएंगे, यहाँ से भी आपको 1-2 सवाल देखने के लिए मिलेंगे। प्रतिशत परसेंटेज के ऊपर भी आपको 2 सवाल तो देखने के लिए मिलेंगे। लाभ और हानि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद घड़ियों के सवाल, ठीक है, क्लॉक्स, यहाँ से सवाल देखने के लिए मिलेंगे। अनुपात से सवाल देखने के लिए मिलेंगे। उसके बाद देखिएगा अंकगणित, अर्थमैटिक्स, ठीक है, डाटा व्याख्या जिसमें बार ग्राफ शामिल है, यहाँ से सवाल देखने के लिए मिलेगा। वृत्त चित्र, पाई चार्ट, यहाँ से क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे। लघु गणक, लॉगरिथम्स, यहाँ से क्वेश्चंस देखने के मिलते हैं। लॉगरिथम्स से क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाएंगे तो इसको अच्छी तरह से कवर करिएगा। क्रम परिवर्तन और संयोजन से क्वेश्चन मिलेगा। रेखा, रेखांकन और सारणीकरण से आपको मिलेगा। लाइन ग्राफ्स एंड टेबुलेशन से आपको क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे। कार्य समय, टाइम एंड वर्क, आप जानते हैं टाइम एंड वर्क बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैथ्स का। 2 से 3 सवाल टाइम और वर्क से रिलेटेड पूछे जाते हैं। ठीक है, टाइम और डिस्टेंस, यहाँ से भी सवाल 2 से 3 पूछे ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मैथ्स से रिलेटेड जितने भी हैं आप उसे अच्छी तरह से कवर करेगा। उसके बाद देखिएगा वॉल्यूम्स और सतह क्षेत्र, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, यहाँ से सवाल आपको 1-2 मिलेंगे देखने के लिए। उसके बाद ऊंचाई और दूरियाँ, हाइट एंड डिस्टेंस से भी आपको 1 से लेकर 2 सवाल देखने के लिए एग्जाम में मिलेंगे। उसके बाद देखिएगा सरल और चक्रवृद्धि ब्याज और संभावना, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट एंड प्रोबेबिलिटी, यहाँ से आपको 2 से 3 सवाल एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो मैथ्स में कौन कौन से टॉपिक है जो बहुत ही अच्छी तरह से कवर कर लेने हैं वो मैंने आप लोगों को समझा दिया। अब हम रीजनिंग की बात करते हैं, सामान्य मानसिक, यहाँ से कैसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं देखिए। एनालॉजी, यहाँ से सवाल पूछा जाएगा। श्रृंखला से आप देखेंगे 2 से 3 सवाल आपको श्रृंखला से ही देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, एनालॉजी से आपको 1 से 2 सवाल मिलेंगे। कोडिंग और डिकोडिंग, देखिए बहुत ही ज़्यादा आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रीवियस एग्जाम पेपर उठा के देखें, रीजनिंग में आपको ये सारे टॉपिक से 1-1, 2-2 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, कोडिंग या डिकोडिंग, यहाँ से भी 2 से 3 सवाल देखने के लिए मिलेंगे। पजल से आपको 1 से 2 सवाल देखने के लिए मिलेंगे। दिशा और दूरी, डायरेक्शंस एंड डिस्टेंस, यहाँ से भी 1 और 2 सवाल देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखेंगे आप ब्लड रिलेशन में, तो 2 से 3 सवाल पूछे जाते हैं। ब्लड रिलेशन इंपॉर्टेंट है, 2 से 3 सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए रीजनिंग भी ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, यहाँ पे बस आपको कुछ आपके माइंड से सोचना पड़ता है, कुछ टेक्निक्स होती हैं जो पता होनी चाहिए। ठीक है, तो आप ये जो रीजनिंग है जो दिखने में इतना टफ लगता है, बाकी टफ बिल्कुल भी नहीं है।
बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है रीजनिंग, लेकिन आप लोगों को इसको अच्छी तरह से पढ़ना होगा, ठीक है। कुछ बेसिक चीज़ें अगर आप समझते हैं तो कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो आप क्लियर ना कर पाओ। जैसे मैथ्स को समझने से पहले कुछ आपको फॉर्मूले पता होना चाहिए, तभी आप ट्रिग्नोमेट्री अच्छी तरह से कर पाओगे। ठीक उसी तरह से रीजनिंग को समझने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए, ब्लड रिलेशन से ऊपर क्वेश्चन आते हैं, वर्णमाला और शब्द परीक्षण, अल्फाबेट एंड वर्ड टेस्ट, यहां से क्वेश्चन पूछते हैं। वेन रेखा, वेन डायग्राम से आपको एक से दो क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। मिसिंग नंबर इंपॉर्टेंट है, दो से तीन सवाल आते हैं, मिसिंग नंबर वाले से दो से तीन सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद देखेंगे गैर मौखिक तर्क, उसके बाद देखिएगा आप मौखिक तर्क या वर्गीकरण, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आपको रीजनिंग में, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो कौन कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं रीजनिंग में, मैंने आप लोगों को कवर करवा दिया। अब विज्ञान की हम बात करते हैं, तो यहाँ पर सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस के ऊपर सवाल पूछेंगे, व्यवहारिक विज्ञान पे सवाल आएंगे, अनुप्रयुक्त विज्ञान, ठीक है, बिहेवियरल हो गया इधर, और अप्लाइड साइंस, ठीक है, आप इंग्लिश में भी यहाँ पर पढ़ सकते हैं। उसके बाद देखिएगा पृथ्वी विज्ञान, अर्थ साइंस के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, भौतिक विज्ञान, फिजिक्स के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, केमिस्ट्री पे पूछे जाएंगे, और आपको यहाँ पर बायोलॉजी, इनके ऊपर सवाल देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान के ऊपर आपको सवाल साइंस में देखने के लिए मिल जाएंगे। तो ये सारे टॉपिक कवर होने चाहिए साइंस में अच्छा स्कोर करने के लिए। उसके बाद देखिए कंप्यूटर अवेयरनेस, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। जैसे आप देखेंगे कुछ ऐसे एग्जाम है जहाँ पर कंप्यूटर नहीं पूछा जाता है, लेकिन कुछ ऐसे एग्जाम है जहाँ पर कंपलसरी है कि आपको कंप्यूटर सब्जेक्ट दिया जाएगा, ठीक है। जैसे पटवारी का मैंने एग्जाम्पल आप बताया अभी आप लोगों को, तो पटवारी के एग्जाम आप देते हैं तो वहाँ पर आप देखेंगे कंप्यूटर में क्या क्या पूछा जाएगा, ठीक है। वैसे कंप्यूटर आपको कवर करके ही जाना है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया अगर कंप्यूटर आपको अलग से सब्जेक्ट नहीं दिया जाएगा तो आपको जीके के अंदर ही कंप्यूटर से रिलेटेड सवाल देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। तो आपको कंप्यूटर कैसे भी करके पढ़ के जाना है। तो देखिए क्या क्या पूछा जाता है, बड़ा ही आसान है। कंप्यूटर क्या है, बहुत ही सिंपल सब्जेक्ट है कंप्यूटर, ठीक है। देखिए बेसिक एंड फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर, यहां से क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। फादर ऑफ कंप्यूटर, उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर से क्वेश्चन मिलेंगे। पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, यहां से क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। टाइप्स ऑफ मेमोरी, यहाँ से आपको दो क्वेश्चन तो देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि ये फेवरेट है ये क्वेश्चन इन लोगों का, कंप्यूटर से ये सवाल पूछा जाता है टाइप्स ऑफ मेमोरी। उसके बाद इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, लैंग्वेज प्रोसेसर्स, नेटवर्किंग, ट्रांसमिशन इंडिया और एमएस ऑफिस। उसके बाद देखिएगा कंप्यूटर वायरस के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, शॉर्टकट्स की, बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्टकट्स की, यहाँ से दो से तीन सवाल पूछे जाएंगे शॉर्टकट्स की, ठीक है। उसके बाद कॉमनली यूज्ड कंप्यूटर टर्म्स एंड एब्रिवेशंस, यहां से सवाल आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो आपने देख लिया कि कंप्यूटर में कौन कौन से टॉपिक्स हमें अच्छी तरह से कवर कर लेने हैं ताकि हम यहाँ पर बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकें, ठीक है। उसके बाद देखिएगा हिंदी की बात करते हैं, हिंदी में हमें कौन कौन से टॉपिक अच्छी तरह से कवर कर लेने हैं ताकि हमारे मार्क्स गलत ना हो। देखिए हमारी हिंदी भाषा, वैसे तो कहने के लिए हमें लगता है कि बहुत ही सरल भाषा है, क्योंकि हम हिंदी में बात कर रहे हैं, मैं भी हिंदी में बात कर रही हूँ, लेकिन जब हम इसके बारे में पढ़ते हैं तो ये कहीं ना कहीं एक टफ लैंग्वेज मुझे लगती है, ठीक है। ये मुझे लगती है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मुझे हिंदी थोड़ी सी टफ लगती है। देखेंगे आप इसे बहुत ही अच्छी तरह से जब आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि हिंदी वाकई में थोड़ी सी कठिन है। जो हम बोल रहे हैं वो तो काफ़ी सरल है, लेकिन जब हम इसके बारे में समझेंगे कि बहुवचन, शब्दों के स्त्रीलिंग, वर्तनी की सामान्य अशुद्धियाँ तथा शब्दों के रूप, आप देखेंगे पढ़ेंगे तो आप थोड़ा सा पाएंगे कि थोड़ी सी टफ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मुश्किल है बहुत ज़्यादा। हाँ, आप दो तीन बार इन टॉपिक्स को अच्छी तरह से कवर करेंगे तो हिंदी आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगी, ठीक है। देखिए किसी वाक्य को अन्य लिंग में परिवर्तन करना है, इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं हिंदी में। मुहावरे व उनका अर्थ, ऐसे भी सवाल यहाँ पर आते हैं। और कौन कौन से सवाल आपको देखने के लिए मिलेंगे, अशुद्ध वाक्यों में शुद्ध रूप का ढूंढना, ठीक है। उसके बाद विलोमार्थी शब्द, समार्थी व पर्यायवाची शब्द, यहाँ से प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग करना, ऐसे सवाल मिलेंगे। कहावतों व लोकोक्तियों के अर्थ आपको देखने के लिए वहाँ पर इस टॉपिक से सवाल देखने के लिए मिलेंगे। संधि विच्छेद, ठीक है, यहाँ से संधि विच्छेद से दो से तीन सवाल आपको देखने के लिए मिलेंगे। उसके बाद क्रिया से भाववाचक
संज्ञा बनाना, उसके बाद रचना एवं रचयिता, यहाँ से आपको सवाल देखने के लिए मिलेंगे। तो हिंदी से रिलेटेड कौन कौन से टॉपिक है आप इसको एक और बार ध्यान से देख लीजिएगा। मैं आप लोगों को इसका PDF अवेलेबल करवा दूंगी, जो भी मैं आप लोगों को अभी बता रही हूँ इसका PDF आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके भी आराम से पढ़े और एक एक टॉपिक को अच्छी तरह से कवर करें, ताकि आप किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो वो सक्सेसफुल रहे, ठीक है, आप अच्छा स्कोर कर सके आपके एग्जाम में। हिंदी में आपने देख लिया कौन कौन से हमें कवर करने हैं। अब हम इंग्लिश की बात करते हैं, ठीक है, इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, आप लोगों को पता होना चाहिए कौन कौन से यहाँ पर टॉपिक्स कवर करने हैं। देखिए, शब्दावली से आपको 1 से 2 सवाल देखने के लिए मिलेंगे, वोकैबुलरी से, व्याकरण ग्रामर से क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, खंड क्लोजेस से आपको सवाल देखने के लिए मिलेंगे, मौखिक समझ बीतने इनके ऊपर आपको सवाल देखने के लिए मिलेंगे। उसके बाद देखिएगा सुधार की इम्प्रूवमेंट, यहाँ से सवाल मिलेंगे, मार्ग पैसेज से सवाल देखने के लिए मिलेंगे, विशेषण क्रिया रिक्त स्थान भरो, रिक्त स्थान से आपको 2 से 3 सवाल देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है, ये टॉपिक कवर करिएगा। उसके बाद त्रुटि हाजिर करें, स्पॉट द एरर, यहाँ से सवाल देखने के लिए मिलेंगे, वाक्य की बनावट सेंटेंस स्ट्रक्चर, यहाँ से क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, वर्तनी स्पेलिंग चेक करना होगा, इस तरह के सवाल देखने के लिए मिलेंगे, विलोम शब्द और सामार्थ शब्द, ठीक है, यहाँ से आपको 2 से लेकर 3 सवाल देखने के लिए इन दोनों से मिल जाएंगे, ठीक है, विलोम शब्द और सामार्थ शब्द से आपको देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद मिस स्पेल्ड शब्दों का पता लगाना, डिटेक्टिंग मिस स्पेल्ड वर्ड्स, यहाँ से क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, मुहावरे और वाक्यांश, ठीक है, एक शब्द प्रतिस्पांत, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। तो ये सारे हमने टॉपिक्स देख लिए कि इंग्लिश में कौन कौन से सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज ये इम्पॉर्टेंट है और आपको इंग्लिश सब्जेक्ट कवर कर लेना है, ये भी एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है जहाँ पर आपके मार्क्स काफ़ी हद तक आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और इंग्लिश में एक्चुअली जनरल इंग्लिश है, यहाँ पे कुछ भी ज़्यादा इतना डिफ़िकल्ट कुछ भी नहीं है, ठीक है, इंग्लिश भी काफ़ी सिंपल लगेगा अगर आप इसको बहुत ही अच्छी तरह से 1-2 बार अगर आप पूरा कवर कर लेंगे सारे, तो आप देखेंगे कि इंग्लिश भी काफ़ी सरल है, ठीक है। तो आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि हिंदी में क्या क्या पूछा जाएगा, इंग्लिश में या सामान्य ज्ञान, रीजनिंग या विज्ञान, यहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे, किस किस टॉपिक से पूछे जाएंगे, आज के इस वीडियो में मैंने आप लोगों को काफी अच्छी तरह से समझा दिया। वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। मैंने आप लोगों को कहा था कि लास्ट में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कौन सी ऐसी बुक है जो अगर आप अच्छी तरह से कवर कर लें तो आप बहुत ही अच्छा स्कोर कर सके हैं, ठीक है। देखिए, मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं, लेकिन हर बार मैं जितनी भी बुक्स पढ़ूं लास्ट में मैं सिर्फ उसी बुक पर आ जाती हूं, और वह बुक है लूसेंट की, ठीक है, लूसेंट की और स्पीडी की करंट अफेयर, ठीक है, स्पीडी और लूसेंट की करंट अफेयर। लूसेंट में बहुत ही अच्छी चीज़ यह है कि वहाँ पर प्रीवियस एग्जाम के आपको क्वेश्चंस देखने के लिए मिल जाएंगे, तो एक आइडिया लग जाता है कि किसी भी सब्जेक्ट में या फिर किसी भी टॉपिक से कैसे कैसे सवाल पूछे गए हैं पहले, तो हम बड़ी ही आसानी से उस टॉपिक को कवर कर लेते हैं, क्योंकि हमें पुराने साल के क्वेश्चंस अगर देखने के लिए मिल जाए तो बड़ी ही आसानी से आप आने वाले एग्जाम की तैयारी कर सकते हो, ठीक है। तो लूसेंट ऐसी बुक है जहाँ पर आपको भंडार मिल जाएगा बहुत ही पुराने, करीबन आपको 1991 से पहले के क्वेश्चंस आपको उसमें देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा आप आइडिया लगा सकते हैं कि हाँ, यही क्वेश्चन मुझे कवर करके जाना है ताकि मैं बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकूं, ठीक है। तो या फिर जो पर्सनली आपको भी बुक पसंद है, जो आपका अभी तक पढ़ते आए हैं वो भी अच्छी होगी, लेकिन जो मुझे पसंद आई है अभी तक वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, लूसेंट, ठीक है। उसके बाद करंट अफेयर के लिए जो मुझे सबसे बेहतरीन बुक लगी है वह है स्पीडी। कौन सी? स्पीडी। स्पीडी में डायरेक्ट क्वेश्चन, स्पीडी से डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में कई बार मैंने देखे हैं जो पूछे गए हैं, तो मैं स्पीडी रिफर करती हूँ और मैं स्पीडी से ही आप लोगों को करंट अफेयर कवर करवाती हूँ, ठीक है। हालांकि क्वेश्चन वहाँ पर मैं खुद बनाती हूँ, लेकिन आपको जो डाटा मिलेगा वह स्पीडी बुक से देखने के लिए मिलेगा, ठीक है, क्योंकि स्पीडी बुक से काफ़ी बार सवाल एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो मैं आप लोगों को स्पीडी कवर करवाती हूँ, करंट अफेयर वहाँ से मैं कवर करवा देती हूँ, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।